दोस्त हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश जांगड़ा अपने चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे। हमारे पास एक स्वराज 724 ट्रैक्टर आया हुआ है और इसमें फॉल्ट है, यह इंजन ऑयल उठाता है और बैक कंप्रेसर ज़्यादा दिखाता है, और इसका क्या कारण है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसको खोल के देखेंगे भी क्या इसमें फॉल्ट है। देखो दोस्तों, इसे धुआं भी कितना दे रहा है और इसका धुआं देने का भी कारण यही है कि यह इंजन ऑयल उठा रहा है और इंजन ऑयल खाएगा तो धुआं भी दिखाएगा। और अब हम इसका बैक कंप्रेसर पाइप से भी हम दिखाएंगे कैसे इसमें से धुआं निकल रहा है और किस तरीके से। देखो दोस्तों, इसमें कितना धुआं निकल रहा है, इसमें अगर जो हम ज़्यादा रेत देंगे तो बहुत काफ़ी इसमें से बैक कंप्रेसर से भाप द्वारा दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हम आप दोस्तों के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों देखो, हम ये एक बैक कंप्रेसर पाइप दिखा रहे हैं, इसमें से कितना धुआं निकल रहा है और बैक कंप्रेसर कितना ज़्यादा है इसका। हम इसकी जांच करेंगे कि क्या इसमें फॉल्ट आया है जो इतना बैक कंप्रेसर इसमें है और कितना। अब हम इसको इसके इंजन को खोल के जांच करेंगे कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया है कि जो इसमें बैक कंप्रेसर हुआ है और इंजन ऑयल उठाने। तो दोस्तों, इसमें हम जांच करेंगे कि भी इसमें ऐसा क्या कारण हुआ है। खोलने के बाद पता चलेगा कि इस ये इंजन ऑयल क्यों खाता है और क्यों बैक कंप्रेसर दिखाता है। तो हम इसकी खोलने के बाद इसकी पूरी जांच करेंगे और आपको बताएंगे। यह वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, हमने इसको खोलना शुरू कर दिया। हम इसके टेपर्ड कवर वगैरह खोल रहे हैं और एक तरफ से इसका एयर कनर खोल रहे हैं। तो यह टेपर्ड कवर 17 नंबर की रिंग पाने से खुलता है और अब हम इसको पूरा खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया है। और उधर से हम एयर कनर खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें ऐसी क्या वजह हुई है जो यह एक एक बारीकी से हम जांच करेंगे कि इसने इंजन ऑयल क्यों उठाना शुरू किया, क्यों खाना शुरू किया। तो हमने टेबल कवर को खोल दिया है और अब हम इसके, तो दोस्तों हमने अब इसके हेडों को खोलना शुरू कर दिया है और हम जल्दी ही इसके हेड को खोल के इसके लाइनर और पिस्टनों को बाहर निकालेंगे और इसकी जांच करेंगे कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट हुआ है जो ये इसने इंजन ऑयल खाना शुरू किया और बैक कंप्रेसर दिखाया है। तो दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक देखते रहना और लास्ट तक देखोगे ही पूरी जानकारी का पता चलेगा कि इसमें ऐसा क्या कारण हुआ है। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम नए नए और अच्छे तरीके से हौसला बढ़ने के बाद नए तरीके से और अच्छे तरीके से वीडियो बना कर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, हम नए नए टॉपिक पर रोज़ाना नए नए वीडियो लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और एक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमने इसके हेड को खोल लिया और इसमें हेड की जो सिम होती है ये हेड गैस्केट का काम करती है और ये अलग अलग इंजन में अलग अलग साइज होता है और इसका जो पिस्टन और हेड के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए उसी हिसाब से ये सिम माइक्रोमीटर से माप के डालनी पड़ती है। और इस पे इसके हेड के ऊपर
साइलेंसर साइड में जब मैनिफोल्ड लगती है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, उसके पास में इसका सिम का साइज लिखा होता है। और यह हर किलोक्सर के इंजन में इसका साइज कंपनी लिखती है। तो दोस्तों अब हमने इसके जल्दी इसके हेडों को उतारेंगे, और हेड दोनों ही हेडों पे ये ऐसे लिखा होता है। और अब इसके हमने हेड उतारने के पूरी नीचे तार देंगे, और तारने के बाद हम इसकी रिंग पिस्टन को निकाल लेंगे, और रिंग पिस्टन निकालने के बाद हम इसकी जो अब हमने इसके हेडों को उतार लिया है, और हेड उतारने के बाद अब हम इसकी क्रैंक की आगे पीछे की प्ले चेक कर रहे हैं, और हमने इसके रिंग पिस्टन भी निकाल लिए हैं। और अब हम इसके लाइनरों में रिंग डाल के चेक करेंगे इसके बाद में कि उसमें कितना क्लियरेंस है या कोई पिस्टन सीज तो नहीं मारा हुआ है, उसको भी चेक करेंगे। और अब हम फिलहाल क्रैंक को चेक कर ले, और हमने कर लिया है कि यह क्रैंक बिल्कुल ठीक है और पिस्टन भी ठीक है इसके। अब हम इसका टॉप वाला रिंग डालकर इसमें चेक कर रहे हैं कि इसमें कितना क्लियरेंस है। तो अब हम इससे पिस्टन से थोड़ा नीचे करके इसको सीधा करके और इसका क्लियरेंस देखते हैं, तो इसमें क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। यह फर्स्ट वाला टॉप वाला रिंग होता है, यह क्रोम का होता है और बहुत हार्ड रिंग होता है। तो इसके बाद में हमने दूसरा सेकंड वाला रिंग भी चेक कर लिया है, सेकंड वाले रिंग में भी काफ़ी गैप क्लियरेंस है। और इसके बाद में हम अब आयल रिंग को चेक करेंगे, आयल रिंग में भी कितना क्लियरेंस है। अब आयल रिंग को चेक करने के बाद पता चलेगा अभी क्लियरेंस इसमें भी काफ़ी है। डाल के देखा है तो इसकी लाइनर और रिंग घिसे हुए है, तो हम इसके लाइनर और पिस्टन और लाइनर रिंग और पिस्टन का सेट बदलेंगे क्योंकि इसकी लाइनर भी कटी हुई है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त नरेश जांगड़ा अपने चैनल पर सभी दोस्तों का धन्यवाद।